Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will be basically covering the topic transpose of a matrix. So let's begin. First of all, we will understand the basic definition of transpose matrix. Okay, so basically the definition of transpose matrix says, like, if we have a matrix like A that is having the elements Aij and having the order of m cross n, means that the matrix A will be having m rows and n columns, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called transpose of A. Basically, like, if we are having a matrix A that is having the elements Aij and is of order m cross n, then the transpose matrix of A will be basically being denoted as A dash or A with the superscript T. This will be the representation of the transpose matrix, and it will be like, it will be having the elements in the it has been mentioned in the definition that it can be the matrix can be obtained by interchanging the rows and columns. So simply what we'll be doing, we will be interchanging the rows and columns of a single, of a standard matrix like A, for example, we have considered in this definition. So jo A matrix ka transpose hoga, it will be basically be represented as A, J, I elements jo represent honge. Also the matrix ka order change ho jayega. In like, you can basically understand ki agar hum matrix ko interchange kar rahe by rows and columns, to jo row ka number hoga us matrix ka, wo column ho jayega, aur column number jo hoga wo row ho jayega. To basically iska order change ho jayega, wo ho jayega n cross m. Okay, so this will be basically the transpose of matrix A. Let's consider few examples जिससे आपको और clearly समझ आएगा. First example हम लेते हैं, like, for example, we have in matrix A जिसके अंदर elements है 5, 1/2, -1. अब हमें इस matrix का transpose बताना है, तो इस matrix का transpose A dash या AT से represent होगा superscript. ओके, सो ये क्या होगा, हमें जस्ट क्या करना है, हमें रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना है. तो अब हमें पता चल रहा है इसमें एक ही कॉलम है और तीन रोज है, तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर क्या है, 3 x 1. तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर क्या होगा, 1 x 3, मतलब एक ही रो होगी और तीन कॉलम्स. तो हमें इस रो को एज अ कॉलम रिप्रेजेंट करना है, तो 5, 1/2 and -1. तो ये हमारा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा, ए ट्रांसपोज. ओके, सो एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं क्विकली समझने के लिए. लेट्स कंसिडर एक मैट्रिक्स बी है हमारे पास जिसमें एलिमेंट्स हैं 3, 5, 2, √2, -4 एंड फॉर एग्जाम्पल 1/5. ओके, सो अब हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बताना है. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, 3 x 2, 3 rows 2 columns. तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 x 3, 2 rows and 3 columns. सो बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू, ये हमें जो कॉलम्स हमारे रिप्रेजेंटेड हो रहे हैं उसे हमें रोज में लिखना है और रोज को कॉलम्स में. लाइक दिस विल बी आवर फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड सिमिलरली -4, 1/5. तो ये हमारा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा. ओके, सो अब आपको ट्रांसपोज निकालना तो आ गया कि हमें जस्ट इंटरचेंज करनी है रोज एंड कॉलम्स को. अब हमारे मैट्रिक्स ट्रांसपोर्ट में कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज प्रॉपर्टीज. कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है. फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है. मैट्रिक्स ए का जब हम ट्रांसपोज करते हैं और उसका दोबारा हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए ही दे देता है हमें. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी वी हैव इज की, लाइक, देर इज अ मैट्रिक्स के ए जिसका हमें ट्रांसपोज करना है. तो बेसिकली व्हाट विल बी द रिजल्ट, कि के हमारा बाहर और सिंगली हम ए ट्रांसपोज कर देंगे, वेयर के इज एनी कॉन्स्टेंट. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है
कि लाइक वी हैव टू मैट्रिक्स ए एंड बी. जब हम मैट्रिक्स ए और बी का एडिशन करके उसका ट्रांसपोज लेंगे तो इट विल बी बेसिकली इक्वल टू द ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. तो बेसिकली हमारा अगर मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का जैसे हमने एडिशन करा उसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो उन मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे सिंगल इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेंगे दोनों मैट्रिक्स का उनको एड करेंगे तो वो उसके इक्वल आ जाएगा. ओके लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑफ मल्टीप्लीकेशन. लाइक वी हैव टू मैट्रिक्स ए एंड बी. जब हम उन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे उनका प्रोडक्ट लेंगे और उनका जब ट्रांसपोज लेंगे वो बेसिकली इक्वल हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के. ओके हम जब बी और ए का इंडिविजुअल ट्रांसपोज निकालेंगे फिर हम उनको बी को बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बेसिकली ए बी मैट्रिक्स के होल ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा. ओके सो क्विकली हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दो, जिससे आपको प्रॉपर्टी समझ आ जाएगी. ओके सो लेट्स कंसिडर वन क्वेश्चन कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट्स है लाइक 3√3 2 4 2 0. लेट्स अज्यूम कि हमारे पास ये दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स बी है जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 2 -1 2 1 2 4. लेट्स एक ये दो मैट्रिक्स हमारे पास एग्जाम्पल है. अब हम इनको हमें वेरीफाई करना है प्रॉपर्टी नंबर 3. बेसिकली हम 3 प्रॉपर्टी जो है हमारी इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ये सही है कि नहीं है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम सबसे पहले ए प्लस बी मैट्रिक्स निकालते हैं. ए प्लस बी मैट्रिक्स निकालते हैं, हमें सिंपली क्या करना है, इन मैट्रिक्स को ऐड करना है. तो करते हैं 5√3 -1 4 5 4 and 4. हमें ये दो ए प्लस बी मैट्रिक्स तो निकल गया इजिली. अब हमें क्या करना है, बस ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है. हम बेसिकली एलएचएस निकाल रहे हैं अभी. ओके ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, क्या करना है, बस हमें इंटरचेंज करनी है रोज एंड कॉलम्स को. तो 5√3 -1 4. हमने फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो लिख दिया, सॉरी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिख दिया. अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम लिखते हैं 5 4 4. तो हमारा ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकल गया, एलएचएस हमारी निकल गई. अब हमें आरएचएस निकालनी है. हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालना है. ए ट्रांसपोज क्या है, 3√3 2 4 2 0. ए ट्रांसपोज निकल गया. अब बी ट्रांसपोज निकालते हैं. बी ट्रांसपोज है 2 -1 2 1 2 4. ये भी निकल गया. अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है. आरएचएस में यही है ना हमारे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करते हैं. अब हमें ऐड करना है 3 2 5 4 1 5 √3 -1 2 + 2 4 2 + 2 4 and 4 + 0 is 4. ओके सो आप देख सकते हो कि हमारा एलएचएस जो है वो इक्वल टू आरएचएस आई है. तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई. ग्रेट. अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम प्रॉपर्टी 4 प्रूव करते हैं. ओके समझ आ जाएगा आपको. हम एक और क्वेश्चन लेके हम दो मैट्रिक्स लेते हैं. हमने लिया एक मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स लिया ए -2 3 1. लेट्स टेक दीज एलिमेंट्स. एंड बी में हम लेते हैं 1 2 -4. हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, हमें प्रॉपर्टी 3 प्रूव करनी है, वेरीफाई करनी है कि वो ठीक है कि नहीं. और प्रॉपर्टी 3 क्या थी हमारी, कि हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं, उन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो हम ले रहे हैं और उनका ट्रांसपोज लेंगे तो वो बेसिकली बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा जब हम इनका करेंगे. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ए बी निकालते हैं. ओके क्या है, -2 3 1 1 2 -4. अब सबसे पहले ऑर्डर देखो, 3 रोज हैं, एक ही कॉलम है 3 × 1. बी मैट्रिक्स का क्या है, 1 × 3. तो आपको पता ही चल रहा होगा, देख के मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लीकेशन तभी हो सकती है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल हो. और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, 3 × 3 होगा. ओके ये दोनों इक्वल और जो वो होंगे हमारे. ओके अब सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं. मैंने बताया था कैसे करते हैं हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और एडिटिव एडिशन होती है. अभी इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं है, सिर्फ एक एक रो है. फर्स्ट मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स में एक ही रो है, तो वो इजिली हो जाएगा. तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा -2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 -2 को -4 से 8. सिंपली दोबारा 3 6 -12 और 1 2 -4. तो ये हमारे पास a × b आ गया. अब हमें ए बी का ट्रांसपोज लेना है. ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा हमारा, -2 4 8 3 6 -12 1 2 -4. तो ये हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज आ गया. अब हमें बी ट्रांसपोज निकालना है. बी ट्रांसपोज है
1, 2, minus 4 और A ट्रांसपोज है हमारे पास minus 2, 3, 1. सिंपली हमारे पास जो गिवन थे उनका हमने ट्रांसपोज ले लिया. अब हमें क्या करना है, हमारा LHS निकल गया, RHS निकालना. अब हमें RHS क्या है हमारा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज दोनों इंडिविजुअल निकल गए. अब हमें इन्हें सिंपली मल्टीप्लाई करना है. ओके, 1, 2, minus 4, minus 2, 3, 1. ओके, लेट्स डू इट. तो करो minus 2, 3, 1, 4, 6, 2, 8, minus 12, minus 4. तो आप देख सकते हो कि हमारा ये और ये मैट्रिक्स सेम आया है. तो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी जो थी, ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हमारी प्रूव्ड हो गई, हेंस प्रूव्ड. तो आई होप आपको ये टॉपिक ट्रांसपोज और मैट्रिक्स समझ आ गया हो. हमने कुछ एग्जांपल्स लेके भी क्लियर आउट कर दिया और प्रॉपर्टीज से भी एक्सप्लेन कर दिया. दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट. Please don't forget to subscribe to the channel and like the video. And most important, in case you have any query related to the transpose or matrix topic, you can write down in the comment section. Thank you.